संदेश खाली पश्चिम बंगाल के इस हिस्से के बारे में कल तक दुनिया अनजान थी, मगर आज ये नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है। पिछले कुछ दिनों में यहां जो कुछ भी हुआ वो हमने किताबों में पढ़ा था या फिर फिल्मों में देखा था, लेकिन संदेश खाली की गरीब जनता ने यह सब भुगता है, और वो भी सिर्फ एक गुंडे की वजह से। वो गुंडा जो खुद को व्हाइट कॉलर नेता समझता है, वो गुंडा जो खुद को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खासम खास मानता है। खबर मिली है कि 55 दिन से फरार चल रहे टीएमसी नेता को बीती रात उत्तर 24 परगना के मिनी खान इलाके से उठाया गया है, जहां वो अपने समर्थकों के साथ छिपा हुआ था। गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, तो अब सियासी दलों में उसे गिरफ्तार करवाने का क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदेश खाली के सैकड़ों मजलूम और गरीब लोगों पर अत्याचार करने वाले टीएमसी नेता शेख शाहजहां की, जो अब पुलिस की पकड़ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव, और जिक्र एक ऐसे गुंडे का जिसकी तलाश कर रही थी पुलिस, जो अब पकड़ में आया। हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे एक मामूली सा मजदूर इतना बड़ा नेता और इतना बड़ा गुंडा बन गया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी के इस गुंडे नेता ने गरीबों की जमीनें छीनकर 1800 करोड़ की अकूत संपत्ति और 15 द्वीपों पर अपना साम्राज्य फैला लिया। 70-80 के दशक की बॉलीवुड फिल्में अगर आपको याद हों तो उनमें गुंडे मवाली लोग कुछ वैसा ही करते थे जो संदेश खाली में शेख शाहजहां किया करता था। फिल्मों के विलन का किरदार निभाने वाले गुंडों पर वैसे ही आरोप लगते थे जैसे शेख शाहजहां पर लगे। अकड़ भी वैसी जैसी शेख शाहजहां में कूट कूट कर भरी हुई। अब इस गुंडे को डॉन कहें या भाई, जो भी कहें, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। कभी एक मजदूर रहे शेख शाहजहां ने पूरे संदेश खाली में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए छल बल राजनीति सबका इस्तेमाल किया। शुरुआत में शेख मछली पालन करने वाला एक मामूली आदमी था। उसने कुछ समय तक अपना गुजारा करने के लिए ईंट भट्टे पर बतौर मजदूर भी काम किया। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों के बीच बेताज बादशाह के नाम से पहचाने जाने वाला शेख शाहजहां बांग्लादेश से बंगाल आया था, और यहां आकर उसने अपना पूरा खौफ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। 24 परगना का संदेश खाली बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा एक इलाका है, इसी वजह से वो यहां आकर रहने लगा। तो शुरू में शाहजहां ने खेतों में ईंट भट्टों पर मजदूर की तरह काम किया। 42 साल का शाहजहां शेख राज्य में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। वो न सिर्फ राशन घोटाले का आरोपी है, बल्कि उस पर संदेश खाली में जबरन जमीन वसूलने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न तक करने के आरोप लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली सा मजदूर इतना बड़ा नेता और अपराधी बन कैसे गया। तो सुनिए, अपने परिवार में चार भाई बहनों में सबसे बड़ा शेख शाहजहां मजदूरी करते हुए एक यूनियन नेता के तौर पर राजनीति में आया। 2004 में वो CPIM से जुड़ा। इसमें उसकी मदद करने वाले थे उसके मामा शेख मुस्लिम, जो उस वक्त CPM के नेता और पंचायत प्रमुख थे। 6 सालों तक वो अपने मामा की छत्रछाया में आगे बढ़ता रहा। संदेश खाली के सभी मछली पालन केंद्रों पर मामा भांजे का पूरा कंट्रोल था। 2010 में जब राज्य की राजनीति की हवा बदली तो शेख शाहजहां ने इसे भांप लिया, और फिर वो TMC नेताओं से नजदीकी बढ़ाकर पार्टी में आ गया। शेख ने शुरुआत में TMC राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना TMC जिलाध्यक्ष ज्योति प्रियो मलिक के नेतृत्व में काम किया, और जब ज्योति प्रियो मलिक को मंत्री बनाया गया तो शाहजहां शेख की ताकत और बढ़ गई। अपने रसूख और राजनीतिक ताकत के बल पर शेख शाहजहां आगे बढ़ता गया। लगातार उसने हर वो काम किया जिसकी इजाजत ना तो हमारा कानून देता है और ना ही इंसानियत। देखते ही देखते शेख ने अपार संपत्ति जुटा ली और संदेश खाली में खौफ का दूसरा नाम बन गया। शेख शाहजहां पर पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में 10,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब ईडी की टीम शाहजहां शेख को पकड़ने संदेश खाली पहुंची तो उसके गुंडों ने ईडी टीम पर ही हमला कर दिया, और मौका देखकर शेख वहां से फरार हो गया। शेख के गुंडों ने ऐसा अटैक किया था कि ईडी के कई अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए, और इस तरह शेख शाहजहां पूरे देश की नजरों में सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा। उसे आज के दौर में अपने इलाके में भाई भी कहा जाता है, और अब इसी भाई के खिलाफ 2 महीने से संदेश खाली की जनता सड़कों पर है। रोज प्रदर्शन होते रहे, इलाके को छावनी में बदल दिया गया, मगर ये भगोड़ा राज्य सरकार की सरपरस्ती में छिपा रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस गुंडे ने ऐसे ही अपना साम्राज्य नहीं कायम किया। आज कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसके करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति होने का दावा किया जाता है। वहीं राज्य चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक
शेख के पास करोड़ों की संपत्ति है, 17 गाड़ियां, 2.5 करोड़ रुपए के सोने के गहने, 14 एकड़ से ज्यादा जमीन शामिल है और इन सब की कीमत 4 करोड़ रुपए दिखाई है हलफनामे में। इसके अलावा उसी हलफनामे में बताया गया कि उसने बैंक खाते में 1.92 करोड़ रुपए यानी 1.92 करोड़ रुपए जमा किए हैं। लेकिन ये सब कागजी दिखावा है। खबरों की माने तो अपनी दबंगई और गुंडई के चलते शाहजहां आज वेस्ट बंगाल के 15 टापुओं पर अपना साम्राज्य जमाए बैठा है, जहां से उसे रोजाना करीब 55 लाख रुपए की कमाई हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेख शाहजहां महज 15 साल के अंदर ही करीब 1800 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। अब उसके पास इतना पैसा आया कहां से और कैसे वो इतना बड़ा डॉन बन गया, इसके बारे में लोकल पुलिस समेत जांच एजेंसियां भी अब जानकारी जुटाने में लगी है। फिलहाल संदेश खाली और वहां की जनता के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि 55 दिनों से फरार ये गुंडा अब पुलिस की गिरफ्त में है, मगर अकड़ आज भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लग जाएगा आपको संदेश खाली के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां की हेकड़ी का। तभी तो राज्य के विपक्षी नेता हमलावर है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 दिन में शेख की गिरफ्तारी पूरी तरह से फर्जी है। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तब हुई है जब हाईकोर्ट का पूरा दबाव आया और हाईकोर्ट के दबाव के 2 दिन के अंदर अंदर वो गिरफ्तार हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये टीएमसी की सौजन्य से 55 दिन उसको नहीं पकड़ा गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये टीएमसी की लीडर है, ये टीएमसी की संरक्षण में रहा है, उस समय भी रहा जब संदेश खाली को लूटा जा रहा था, उस समय भी रहा जब एफआईआर दर्ज हुआ और उसको गिरफ्तार होना था, उस समय भी टीएमसी संरक्षण में रहा। तो टीएमसी का जो असली चेहरा है वो बिल्कुल स्पष्ट सामने आया। डीआईजी भास्कर मुखर्जी उनका गाड़ी में उसको फलता लेकर गया, फलता से हिंदी टा कुरेन फलता से उनको मेरा ट्वीट करने का बाद वहां बुसीराट में लाया। इसलिए ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस गिरफ्त में होने के बावजूद जब शेख शाहजहां को कोर्ट में पेश किया गया तो उसका दबंग अंदाज देखने को मिला। संगीन आरोपों के बाद भी शाहजहां शेख के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। पुलिस की हिरासत में वो बेखौफ तरीके से चलता नजर आया, लेकिन विपक्षी नेताओं के हमले और कोर्ट की सख्ती के बाद शेख को लेकर टीएमसी भी अब बैकफुट पर है। एक तरफ जहां कोर्ट ने शेख शाहजहां को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है, वहीं ममता सरकार ने भी अब उसे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ममता बनर्जी सरकार ने गरीबों को न्याय देने के लिए अपने गुंडे नेता को पार्टी से निलंबित किया है या ये कोर्ट के आदेश पर महज दिखावा किया है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।